आज हम आए हैं मालचा महल। मालचा महल वहाँ है जहाँ दिल्ली का सबसे बड़ा जंगल चनक्यापुरी का एरिया, इस जगह पे बहुत सारे आज भी वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं। इस जगह पे ये महल उन्होंने बनाया था, फिरोज़ शाह तुगलक ने। इसको कहते हैं शिकार ग्रह। शिकार ग्रह बनाया क्यों गया था, क्योंकि जब राजा थक जाते थे तो यहाँ पे शिकार करने के बाद रेस्ट करने आते थे। इसको उनके जाने के बाद बंद कर दिया गया था, पर 1985 में लखनऊ की रानी के लिए ये महल दोबारा ओपन किया गया, और इस ओपन करने के बाद यहाँ पे उनको जगह दी गई। पर वो इंदिरा गांधी का टाइम था, जिसकी वजह से उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता था, और उसकी वजह से उनकी तो डेथ हुई हुई, राजा की भी डेथ हुई, साथ में उनके बच्चे भी डिप्रेशन में चले गए। और इन सब चीज़ों को तब उसके बाद से सुनने को मिलता है कि यहाँ पे इस महल के अंदर कई सारे आत्माएं हैं और सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। पर मैं आज विजिट करने आया हूँ इस चीज़ को, तो आपको भी विजिट करा रहा हूँ कि यहाँ का रहस्य है क्या है एक्चुअली। मैं मालचा महल के टेरेस पे, यहाँ आप देख सकते हो चारों तरफ आपको जंगल दिखाई देगा। ये पूरा जंगल आज भी है, आप आके विजिट भी कर सकते हो। इस महल की खासियत ये है कि आज से कुछ साल पहले भी यहाँ पे राजा थे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये वो जगह है जहाँ पे कई सालों की आपको स्टोरी सुनने को नहीं मिलेगी, रिसेंट स्टोरीज में भी राजा महाराजा यहाँ पे रहते थे। आप देख सकते हो मैं महल के अंदर हूँ। डरावना जरूर लग रहा है, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो हम इतना कुछ सुनते थे लोगों के मुंह से। यहाँ पे चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है। बाहर जब हम जंगल में थे तो हमें फॉक्स देखने को मिला। अगर हम रिकॉर्ड कर पाए कैमरे में तो जरूर डाल के दिखाऊंगा कि हमारे को फॉक्स या कौन से जंगली जानवर हमें देखने को मिले। महल में जो लास्ट प्रिंस रहे थे उनका नाम भी प्रिंस था, साथ ही साथ उनके बारे में आपको एक चीज बताता हूं। वो प्रिंस यही चाहते थे कि मेरी प्राइवेसी को कोई ना छेड़े, तो उन्होंने क्या किया था, अपने साथ 20 कुत्ते, जंगली कुत्तों को रखा था कि कोई भी उनके महल के आसपास आएगा तो उन कुत्तों को छोड़ देता था उनके ऊपर कि उनको काट के भगा दे यहां से। तो उन कुत्तों के कुछ रहस्य अगर हमें कुछ मिलते हैं, कुछ चीजें मिलती हैं, तो आपको इस वीडियो में भी दिखाएंगे।